तो कोई वीडियो लेने वाला है नहीं, तो मुझे खुद ही लेना है एक्चुअली। वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। अच्छा, ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मतलब एक वैसा वीडियो नहीं है जो मैं जनरली पोस्ट करती हूँ। तो मैं आई हूँ खजुराहो और मैं रुकी हूँ होटल क्लार्क में, और ये इतना सुंदर होटल है ना यार, सच में। तो अभी मैं चल रही हूँ गैलरी में। अच्छा, थोड़ा अजीब लग रहा है, पहली बार ऐसे बोल रही हूँ, आस पास सुन ना रहा हो कोई। एनीवे, तो पहले तो मैं आपको इस होटल का थोड़ा सा दिखाती हूँ कैसा है। तो पहले ये देखो, पीछे है मिरर और वेट। तो ये है होटल की गैलरी, ऐसे दोनों साइड लेफ्ट राइट यहाँ रूम बने हुए हैं, और वॉल पे ऐसी सुंदर सुंदर सी हिस्टोरिकल हमारे यहाँ के बारे में जो बताती हैं वो पेंटिंग्स एंड फोटोज़ लगी हैं। अच्छा, मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं पहली बार बना रही हूँ, तो ना थोड़ा सा डर लग रहा है कोई बोलेगा कि नहीं, बोलेगा कोई नहीं, बट खुद में थोड़ा अजीब लग रहा है। अच्छा, बाय द वे, ये वॉल पे एक सुंदर सा मिरर है। अच्छा, और ना मैं मतलब रियलिटी में आई लुक सो बेटर। ये मतलब मैं इतना ट्रैवल करके आई हूँ और वो कैमरे क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, इसलिए मैं ऐसी लग रही हूँ, बट रियलिटी में आई लुक मच मच बेटर, सो डोंट जज मी। ओके, कुछ भी, कुछ भी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब जल्दी से घूम लेते हैं। हेलो अंकल जी, नहीं भाई साहब। ओके, तो यार होटल काफ़ी सुंदर है ना, और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और मुझे ये लग रहा है कि कोई ये ना पूछ ले, दीदी आप ब्लॉग बनाती हो, कितने सब्सक्राइबर हैं हमें बताओ। यार क्या बताऊँगी, सब्सक्राइबर्स तो है नहीं। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल फोटो, क्या लिखा हुआ है। ओके, दिस इज़ अगेन फ्रॉम बनारस। ये फ़ोन रखा है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, और नीचे है स्पा। और फ़ोन इसलिए वैसे तो सबके रूम में होते हैं, बट स्टिल इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन यूज़ इट। और ये नीचे है हमारा होटल। चलो नाउ हम अपने कमरे में चलते हैं, बिकॉज हमें शादी के लिए रेडी भी होना है। मिलते हैं रेडी होने के बाद। ओके ओके मामू। तो गाइज, आई एम रेडी, और ये है मेरा फाइनल लुक। बहुत ही प्रोफेशनल वाली फीलिंग आ रही, तो अच्छा इसमें दिखाती हूँ। मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे शादी में। गाइस, अभी मैं नीचे आ रही थी ना, तो मुझे दो तीन लड़कियाँ मिली एंड दे सेड कि मैं आपकी एक फ़ोटो ले लूँ। तो मैंने कहा क्यों, कह रही है बहुत प्रीटी लग रही हूँ, मतलब बाय गॉड ऐसा लगा ना, ये सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ गई सच में। तो अगर अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज़ थम्स अप कर देना, लाइक कर देना। ओके, एंड नाउ आई विल शो यू द वेन्यू। ओके, तो ये हैं हमारे प्यारे प्यारे ब्राइड एंड ग्रूम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ये है हमारा पूल, यार बड़ा सुंदर लग रहा। नहीं, तो हम लोग आ चुके हैं पूल के पास। ये है स्विमिंग पूल, और आयरनी इज़ दिस कि मेरे पास कोई ये नहीं है कि जिसके साथ मैं, मतलब जिससे मैं कहूँ कि मेरी अच्छी फ़ोटो ले दो, यार कोई फ़ोटो लेने वाला नहीं है। पर ठीक है, मैं सेल्फी में ही ले लूँगी और देखूँगी, अगर कुछ हुआ तो मैं क्लिक करा लूँगी। और ब्लू ब्लू मैचिंग हो गई।
एंड हेयर कम्स द ग्रूम। ये हमारे दूल्हे राजा जयमाल की स्टेज की तरफ आगे बढ़ते हुए, और उसके बाद स्टेज पे दूल्हे ने, दूल्हे के फ्रेंड्स ने, बहनों ने इतना डांस किया भाई, बहुत अच्छा लगा। गाइस पाव भाजी बहुत यम, मुझे बहुत भूख लग रही थी और मैं फटाफट से थोड़ा सा ये स्नैक्स खाने आई थी, क्योंकि उसके बाद होनी थी दुल्हन की एंट्री और मुझे वो बिल्कुल मिस नहीं करना था, तो फटाफट ये पाव भाजी खाई, उसके बाद जाएंगे हम हमारी दुल्हन की एंट्री में। एंड हियर कम्स अ ब्राइड। This was literally the most beautiful moment of the wedding when groom knelt down and proposed the bride. मतलब दुल्हन की पूरी फैमिली थी, उनके पेरेंट्स, उनकी सिस्टर, उनके सामने होने वाला लाइफ पार्टनर इतने प्यारे तरीके से उनको जयमाल की स्टेज तक ले जाए, ये बहुत प्यारा था और बहुत ही होलसम मोमेंट था। और भगवान करे हमारे दूल्हा दुल्हन को किसी की भी नज़र ना लगे। डांस हो गया, सब हो गया, अब चलते हैं खाने की तरफ। एंड एवरीवन इज लुकिंग एट मी, लेकिन कोई नहीं, हम चलते हैं खाने की तरफ, देखते हैं क्या क्या है खाने में। वाओ आइसक्रीम, वाओ व्हाट इज दिस, क्रीम कैरमल, माय फेवरेट। यार चलो अब मैं जाती हूँ खाने। दोस्तों तो मैंने खाने की शुरुआत करी मेरी फेवरेट गोलगप्पों के साथ। गोलगप्पे मैं खा चुकी थी और ये है चाट का काउंटर। यहाँ पे मैं बनवा रही हूँ पापड़ी चाट, जो कि काफ़ी डिलीशियस थी। और ये सब खाने के बाद ना मुझे बहुत ठंड लगने लगी, तो यहाँ पर आग जल रही थी, मैंने वहाँ पे जाके अपने हाथ सेके और ठंड से राहत मिली। फिर इसके बाद मैंने गरम गरम टोमेटो सूप पिया। अच्छा एक मिनट देखना भाई, मेरे एक्सप्रेशन देखो, इतना गर्म था ना कि इतनी भाप निकल रही थी, और मैंने ब्रेड क्रम्स को ज़्यादा डाल लिए थे, और सूप बहुत अच्छा था। वैसे भी खाने की कभी भी बुराई नहीं करते। अच्छा आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने चश्मा लगा लिया क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और अब मुझे ज़रूरत थी सब कुछ अच्छे से देखने के लिए, तो मैंने चश्मा लगा लिया। अच्छा अब देखो आगे का ब्लॉग। चलो तो अब मैं क्विकली आप लोग को खाने का मेन्यू दिखा देती हूँ। खाना सच में बहुत टेस्टी था, सच में। और ये है चाट, पापड़ी चाट, गोलगप्पे, पाव भाजी, फिर ये क्या है, डोसा, और इसके बाद चाउमीन जो मैंने नहीं खाई थी, और ये क्या है, हाँ ये स्टार्टर्स थे जो स्टार्टर्स सर्व किए जा रहे थे ना। यार इतनी जल्दी वीडियो बढ़ रहा, पढ़ नहीं पा रहे, बट ये स्टार्टर्स थे। और फिर यहाँ पे रोटी थी, बहुत अच्छी थी, गरम गरम। फिर मेरी फेवरेट वेज बिरयानी, फिर यहाँ पुलाव, यहाँ दाल, हाँ दाल, फिर तवे वाली सब्ज़ी, फिर गुड़, मक्खन, सरसों का साग, फिर और सब्ज़ी और वेजिटेबल सूप। तीन टाइप के थे,
स्वीट कॉर्न हॉट एंड सार एंड टमेटो सूप, फिर ये मिठाई, यहाँ थी जलेबी, रबड़ी और उस साइड दूध था, फिर ये क्या है ये मालपुआ, हाँ मालपुआ, फिर मूंग की दाल का हलवा और शायद गाजर का हलवा भी था। हाँ देखो ये है गाजर का हलवा, और उसके बाद क्या है, वाओ ये राजभोग, फिर ब्राउनी या चॉकलेट केक जो भी कह लो मुझे बहुत पसंद है, फिर ये, फिर आइसक्रीम एंड एट लास्ट पानी। तो फ्रेंड्स मैंने खाना खा लिया है, शादी इंजॉय कर लिया, अब ऊपर जाएंगे, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे और इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा, एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगी है और पहली बार ऐसा कुछ ट्राई किया है, तो इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा अभी मैं जाती हूँ, बहुत देर हो रही है, बाय बाय।